यहाँ का नजारा। अभी तो यहाँ का गेट बंद है फिलहाल, चलिए घंटी बजा लेते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, अभी बज रहे 5 और हम लोग सुबह उठ के रेडी हो चुके हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और हमें जो डेली पपीज लोग मिलते हैं उन लोग के लिए हम लेके जा रहे हैं दूध और ब्रेड या बिस्किट। तो चलिए आपको दिखाते हैं। एक के बार में सब मुंह डाल ले रहा हूँ उसको। मैं एक दो ना रोटी देखो पीता है दूध ना, रोज पैकेट वाला ला के भर दे। ये देखिए दोस्तों पपीज लोग दूध पी रहे हैं। ये बिस्कुट खा रही सब हमने, बिस्कुट ब्रेड और रोटी। वो अपने मम्मी के साथ मिलकर खा रहा है ना, काट रही है जाकर दूध पी बिस्कुट क्या खाए। चलिए हम लोग चलते हैं वॉक पे, अपना लेट हो जाएगा, टाइम ऐसे भी सुबह हो गया। तो फूल तोड़ रहा है, कड़ी पत्ता तोड़ी मम्मी इतना इतना पत्ता उधर दिखाएगा। आपको एज क्या हो रहा है पूछ सकते हैं? 85 85 ईयर्स में अभी तक मॉर्निंग वॉक करते हैं आप? थोड़ा सा मन बता तो चल आता है, पैर ठीक कराने के लिए पैर में दर्द रहता है तो थोड़ा ये मेरा एक बार नहीं होता, तीन बार नहीं तो एक ही बार में चल जाता है। मेरी नानी है उनका भी जितना 80 के आसपास हो रहा है, नहीं पे रहे लोकल में। सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य, आप देख रहे हो आदित्य डीवीडी। और अभी हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आए हुए हैं। तो अभी समय बज रहा है 6:30, चलिए चलते हैं अब घर। वर्कआउट वगैरह हो गया अपना, छोटू से तो मिले ही आपको, आप लोग सुपरमैन है, ठंडा नहीं लगता है ना? ऐसी बात नहीं है, भूल गया था इसको। देखिए इसको भी नींद खुला नहीं है अभी तक, झुक नहीं आ रहा तुमको। चलिए दोस्तों घर चलते हैं, फिर जैसा होगा हम आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। और आज का दिन शुरुआत करते हैं एक स्माइल के साथ, के लिए आप लोग भी अच्छे रहिए खुश रहिए। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, मम्मी को एक मिल गए हैं तो उनसे मम्मी बात करे थे, आज मिलवाते। आपका नाम? बात करते करते जा रही मम्मी, तो हम छोटू पीछे पीछे। सो गाइस सुबह सुबह का नाश्ता मक्को से शुरू हो रहा है, बहुत ही टेस्टी और फायदेमंद चीज़ है ये। गाइस देखिए हम लोग का घर में थोड़ा बहुत प्लास्टर का सामान है, ये सब सीमेंट बालू है, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट। कुछ कुछ जगह पे रिपेयरिंग का जरूरत था, टूट फूट रहा था वो, उसका मिस्त्री लोग डिजाइनिंग ठीक से नहीं किया था तो वाटर के चलते वियरिंग आ रहा था उस एरिया में। ये देखिए छज्जा का रिपेयरिंग हुआ है थोड़ा सा, देखिए उधर काम चल रहा है, इधर भी कुछ कुछ टूटा हुआ था। अभी बारिश का मौसम नहीं है तो रिपेयरिंग का काम हो जा रहा है। सो वंस अगेन वेलकम बैक गाइस, अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे कुलनगर का राम मंदिर है, ये कुसुम विहार है एक्चुअली में, हाँ धांगी पहाड़ है देखिए। और वो जो लंबा वाला बिल्डिंग हम लोग जहाँ बाल कटवाते हैं वहाँ से दिखता है वो वाला है। तो आज ऐसे ही घूमते घूमते प्रोग्राम बन गया कि चलते हैं आज इधर राम मंदिर साइड, हम आ जाते हैं इधर, कभी आए नहीं, बहुत दिन से नहीं आए हम लोग, पहले साइकिल से आते थे हम लोग 10th क्लास में, हाँ 10th क्लास में जब थे उस टाइम पे इधर आया करते थे। और अभी इतने सालों बाद आया, राम मंदिर वैसा का वैसा ही है, बस कलर थोड़ा येलो इस हो गया, कलर थोड़ा क्रीम कलर हो गया इससे। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, बहुत शांति है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए इतना ये लग रहा है आपको भीड़ शोर शराबा। कॉन्ट्रैक्टर लोग बिजनेसमैन लोग यहाँ पे रहता भी है, जैसे कैट का यहाँ पे सब ऑफिस वगैरह है, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे एक उत्सव रिसोर्ट भी है। तो आइए चप्पल साइड में खोलते हैं, थोड़ा चारों तरफ का राउंड मार के देखते हैं कैसा एरिया है। ऐसे तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा। अभी तो यहाँ का गेट बंद है फिलहाल, घंटी बजा लेते हैं दोस्तों। बहुत मस्त मंदिर है ये, तो पूजा करने के बाद आराम से अगर किसी को शांति से बैठना है तो बहुत सुंदर जगह है ये। देखिए जिसका जिनका ऑफिस है उनका मशीन भी लगा हुआ है,
इसको बोलते हैं दोस्तों पोकलेन। बड़ा बड़ा एरिया में मतलब खान में मिट्टी काटने का काम करता है। इससे भी बड़ा साइज का होता है, ये मीडियम साइज है। इससे छोटा आता है, ये मीडियम, और इससे बड़ा आता है। और बस यहाँ पे इतना ही है दोस्तों। यहाँ पे और भी मंदिर बन रहा है, अगर काम चल रहा है ये देखिए आप। अगर रुकते हैं यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा जगह था, बहुत दिनों बाद आया, और पहले आना चाहिए था मुझे। एक सामने आपको जो कॉलोनी दिख रहा है, सब कुछ नहीं था दोस्तों पहले, कुछ नहीं। जब हम लोग साइकिल से घूमते थे, ये सब बाद में सेटअप किया गया और उसके बाद भी पुराना हो गया। देखिए मतलब यहाँ कुछ नहीं था उस समय, हम लोग आया करते थे साइकिल से। बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ काम चल रहा है दोस्तों, ऐसाई मार्बल ग्रेनाइट का काम चल रहा है, इससे और स्मूथ हो जाएगा काम। और इधर पेड़ पौधा भी लगा हुआ है गाइस, आम है, जम्मी का पेड़ है, और कुछ सो प्लांट है, और फूल का पेड़ है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली बाहर से घर आ गए हैं, और अभी लंच कर लेते हैं। ये देखिए लंच में बनाए दोस्तों चावल दाल हमेशा की तरह, बहुत टेस्टी, और ये सीम की सब्जी है। आप लोग इसे अपने अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रा कमेंट करके। तो चलिए हम खा के आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, और बहुत सारा मस्ती होने वाला है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मजा आ गया। बंदूक पिला। ऐसे बिना मतलब काम लोग हंसते रहते हैं दोस्तों कभी कभी। क्या बिना मतलब के मारो खाता है कुछ बोल रहे हैं क्या। सो दोस्तों शाम हो गया है, और चलिए नाश्ता कर लेते हैं। थोड़ा बोरिंग है बट हेल्दी है, तो खा लेते हैं क्योंकि आजकल थोड़ा हेल्दी रहने का शुरुआत की है, तो हेल्दी खा लेते हैं नाश्ता। दूध और मूसली उसली है कुछ, तो चलिए खा के मिलते हैं आपसे। ये धूप कितना तेज़ है। सो चलिए दोस्तों खा पी के बर्तन वगैरह भी हम सब धो दिए हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा बर्तन वगैरह धो लेना चाहिए दोस्तों आप लोगों को भी। देखिए दोस्तों मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, मेरा ये सोच है कि मैं जब अपना प्लेट खाता हूँ, अपना जूठा मतलब मैं अपना जो प्लेट में खाया, कटोरा में खाया, जो भी चम्मच से गिलास, वो मैं तुरंत खा के अपना धो लेता हूँ। ताकि कम से कम जूठा बर्तन तो अपना धो ही लेना चाहिए यार, बाकी बर्तन तो खाना बनाने का सामान बाकी जितना सब तो मम्मी लोग धोती है, थोड़ा काम तो हम लोग हल्का कर ही सकते हैं। तो मैं हमेशा ही धो लेता हूँ, और आज पहली बार मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि हाँ मैं खाने के बाद धो लेता हूँ। मुझे तो धोने में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप लोग भी करके देखो अच्छा लगता है। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। और ये दोस्तों ये देखिए चॉकलेट हम लोग लिए थे, उसको मैंने इस डब्बे में भर के रखा है। तो बाहर जब भी जाऊंगा तो मेरे छोटे जितने दोस्त लोग जब मुझे मिलेंगे तो मैं उनको चॉकलेट पकड़ा दूंगा। सो गाइस अभी शाम हो चुका है, और मैंने कल के वीडियो के लिए एक आइडिया सोच के रखा है, बहुत ही तगड़ा आइडिया है, तो वो मैं कल आपको बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। तो कल के वीडियो में आप लोग रेडी रहिएगा, कल बहुत ही तगड़ा हम लोग CHALLENGE करने वाले हैं। तो चलिए सो गाइस हम अभी अपने भाई के रूम पे हैं, और इसे मैं अपने कल के चैलेंज के लिए पूछने वाला हूँ, बट बताऊंगा नहीं, म्यूट कर दूंगा चैलेंज क्या है, और कल आपको बताएंगे चैलेंज क्या है। तो चलिए पूछते हैं इससे, कल के चैलेंज के लिए रेडी है मेरे साथ? चैलेंज क्या है तो बोलो, जान लो पहले, बता दो चैलेंज है। ओके अच्छा हाँ ठीक है, पनिशमेंट रहेगा ठीक है। पनिशमेंट क्या रहेगा? नहीं सब सो गाइस मेरे दिमाग में कभी एक आइडिया है दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि जो पनिशमेंट रहेगा वो भी कल जब चैलेंज बताऊंगा क्या है, चैलेंज में भी बता दिया उसको क्या है, पता है उसको, तो मैं कल रिवील करूंगा, पनिशमेंट भी बताऊंगा कल है, कल वाले वीडियो में। तो चलिए बने रहिए। तो कल का तो टॉपिक हमें मिल गया है, कल बहुत ही एकदम धाकड़ चैलेंज होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में दोस्तों। हाची वंस अगेन, और अभी हम सचिन के यहाँ आए हुए हैं। हाची 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 द ग्रेट डॉग। दादा प्रणाम, दादी दादा प्रणाम आप लोगों। तो सचिन तो यहाँ नहीं है दोस्तों, सचिन से मिले ना, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। ओके हाची बाय 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 बाय। अरे
देखिए उधर से किसी को आने परमिशन नहीं है, बस मुझे अलाउ है। क्या हाची तो दोस्तों, अब चलते हैं घर। सचिन भाई तो मिला नहीं, बस हाची के साथ थोड़ा खेल लिए हैं और अब चलते हैं। लिफ्ट आने का वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं दोस्तों के पास। तो अभी मैं लिफ्ट में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ नोटिस किया हूँ मैं। जैसे फैन होता है दोस्तों लिफ्ट में, या फिर किसी भी टाइप का बहुत तरह का फैन होता है, तो आप लोग लिफ्ट में अगर हो तो फैन वगैरह अगर ओपन रहता है इस तरह से, देखिए जैसे, तो आप लोग फैन मत यूज किया करो, क्योंकि गंदगी जो होता है यहाँ जमा हुआ ऊपर में, मान लीजिए कोई झाड़ू मार के गिरा दिया, फिर ऐसे ही ग्रिल वाला सिस्टम है तो उससे सारा धूल नीचे आ जाता है। फिर एक टिप था मेरी तरफ से। गाइस अभी मटका चाय दुकान आया हुआ है हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास बाईपास में, और ये भी तैयार हो रहा है गर्मा गर्म चाय मटका चाय। ये देखिए गाइस किस तरह से पकाते हैं ये भैया लोग, पूरा कैफे चीनो जैसा फेन हो जाता है इसमें। ये दोस्तों देखिए घर में मस्ती चल रहा, नीचे आयांश आया हुआ हमारे घर में, और अभी मैं एडिट कर रहा था बैठ के। आयांश अभी इसने सुसु किया, सुसु अभी इसने सुसु किया। सो गाइस अभी हम लोग अंडा उबाल रहे हैं, अंडा करी बनाएंगे हम लोग, और ये दोस्तों डिलीशियस अंडा करी बन रहा है घर में हम लोग का अभी डिनर में। सो गाइस अभी हमारा अंडा करी बन गया है, बस ये कट भी मारा हुआ है चाकू से कि मसाले अंदर चल जाए, थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चटनी। तो दोस्तों चलिए डिनर कर लेते हैं, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों तो लाइक कर देना, और सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते जल्दी एक नेक्स्ट और धमाकेदार ब्लॉग में, तो तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चलिए जय हिंद, बाय बाय।